देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग। देखो खबरें आ रही हैं, एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग। जी हाँ, इंतजार किस बात का, देखिए आप एंटरटेनिंग खबरें हमारी सीरियल्स की दुनिया से। समंदर किनारे लहराती शेफाली मुंबई की बारिश को एंजॉय करती और सुहाने मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा खाती शेफाली बग्गा आज सास बहू और बेटियां संग बिता रही हैं अपना दिन। असल में शेफाली दिल्ली की रहने वाली है और मुंबई में वो सिर्फ काम के सिलसिले से ही आती है और अपने बिजी शेड्यूल के चलते उन्हें मुंबई में घूमने का मौका मिल ही नहीं पाता। लेकिन आज उन्हें मिल गया है सास बहू और बेटियां का साथ और वो निकल पड़ी हैं मुंबई के जुहू बीच पर बारिश का मजा उठाने। मैं आई हूँ मुंबई, इतने टाइम बाद आई हूँ, मतलब जब भी आई बिग बॉस के बाद तो एक दो दिन के लिए आई और बाहर कहीं नहीं घूमी, सिर्फ आई होटल में चेकिंग किया, होटल में भी नहीं रुकी, काम किया और वापस चली गई, तो टाइम ही नहीं मिला घूमने का। और अब मैं आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का जू चल। सवार होकर शेफाली निकल तो पड़ी है जुहू बीच की ओर, लेकिन साथ ही बिग बॉस 13 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने वाली शेफाली बग्गा ने शेयर की बहुत सारी बातें और बताया अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में। मैं आई लव दिस सिटी, आई लव इट, मतलब मुझे जितना प्यार दिल्ली से उतना प्यार ही मुंबई से है। पहले मैं माइक लेती थी और मैं इधर बैठी हुई हूँ, ये तो सबसे बड़ा चेंज है। सलमान खान ने भी यही बोला था कि यू नो अब टेबल्स टर्न हो गई हैं, सलमान वॉज आस्किंग मी आपको कैसा लग रहा है। तो ये तो है, लाइमलाइट मिली है बहुत ज़्यादा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो मुझे बच्चों ने बहुत प्यार किया है, छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, अभी भी इंस्टाग्राम मेरा बच्चों से भरा रहता है। और वैसे अब देखो काम भी टचवुड अच्छा है, मैं बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाती हूँ, मैं मेरे गोल बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं कि मतलब अभी कल क्या या आने वाले कुछ इतने दिनों में क्या। तो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोस अभी एंड एक वेब सीरीज़ में भी बात चल रही है और एक शायद अभी शुरू होने वाला, सो बहुत कुछ आने वाला है। लीजिए बात करते करते हम पहुंच गए जुहू बीच, जहां गर्मा गर्म भुट्टो को देखकर शेफाली से रहा न गया। बारिश भुट्टा जुहू एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मैं तो वेट कर रही हूँ जल्दी से बने और खाऊं और फिर आपसे बात करूं। मजा आ गया, बारिश की बूंदे पड़ रही हैं और साथ में भुट्टा। शेफाली ने ना सिर्फ भुट्टे खाए बल्कि मुंबई की भेलपुरी का भी मजा लिया। आपको भी अगर सेव पूरी ऐसी खानी है ना तो जू भी जाके खाना।
ब्लू बीच आए और समुन्दर की लहरों से बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए कैसे जुहू बीच को देखकर शिफाली खुशी से नाच उठी। बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या हवा चल रही है, क्या बारिश हो रही है, क्या मौसम है, मज़ा आ गया। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, स्पेशली आप लोगों के साथ आपको दिखाने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जुहू बीच देख लो अच्छे से, जो लोग दिल्ली में रहते हैं स्पेशली वो तो नहीं आ पाते बीच पे, हम स्पेशली आते हैं मुंबई गोवा यही बीच इन्जॉय करने के लिए। भाई शेफाली ने तो सास बहू और बेटियां के कैमरे की नज़र से अपने सभी दोस्तों और फैंस को मुंबई के जुहू बीच के दर्शन करा दिए और खूब इंजॉय भी किया। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मुझे बहुत मजा आया, वो चीजें जो मैं जब भी मुंबई आती हूँ नहीं कर पाती काम की वजह से, वो आज मैंने जी और इंजॉय की, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियां।